त्योहारों को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रीगण आते हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारियों का मंगलवार को मॉक ड्रिल के माध्यम से जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल में रेलवे प्रशासन को सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध बैग में बम है, जिससे पूरे रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्य प्रभारी निरीक्षक को ट्रेन में चेकिंग अधिकारी उप निरीक्षक सियाराम यादव द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने यात्री हॉल में बेंच के पास रखे एक जो काले व लाल रंग का बैग, उसमें संदिग्ध सामान रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसा लग रहा है, इसमें बम होने की संभावना जताई जा रही है। तत्काल अलाउंस करके सभी लोगों को सावधान किया गया। मौके पर पहुंचते ही रेलवे और जीआरपी पुलिस ने संदिग्ध स्थान को रस्सी के माध्यम से सील कर दिया। डॉग स्क्वाड की टीम ने उस बैग का निरीक्षण किया। उसके बाद मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने बैग को चेक किया। उसके बाद बैग को रस्सी के माध्यम से प्लेटफॉर्म से बाहर ले गए। बम निरोधक दस्ते की टीम ने जब बैग का निरीक्षण किया तो उसमें कपड़े सहित एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स मिला। चेक करने के बाद पता चला कि बैग में बम नहीं है। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स को तोड़कर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अग्निशमन दल अपने दल बल के साथ मुस्तैद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी थाना रेलवे स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक ब्रिजभान पांडे ने कहा, ये जनरेटर आपके लिए, स्पेनर आपके लिए, दिनांक 20/10/2020 को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक संदिग्ध बैग जिसमें बम होने की सूचना SI श्री सियाराम यादव द्वारा मुझे CUG पर दी गई। उसके तत्काल बाद मेरे द्वारा थाने पर CUG से सूचना देते हुए RPF इंस्पेक्टर को सूचना दी गई और तत्काल मैं मौके पर अपने हमराही कर्मचारियों के साथ पहुंचा।
कंट्रोल रूम को भी सूचना दी गई। कंट्रोल रूम के माध्यम से जिले के इंस्पेक्टर शाहपुर साहब, इंस्पेक्टर गोरखनाथ साहब, रेलवे स्टेशन चौकी इंचार्ज, धर्मशाला चौकी इंचार्ज और फायर सर्विस के CFO साहब, मैं फायर सर्विस बड़ी गाड़ी के और बम डिस्पोजल टीम के सभी अधिकारी कर्मचारीगण मौके पर आए। तत्काल मौके को कार्डन करते हुए रस्से के माध्यम से उस स्थान को घेरा गया और बाहर कर्मचारियों को, अधिकारीगणों को इस बात के लिए लगाया गया कि कोई अंदर यात्री प्रवेश न करे तथा माइक से भी इसका अनाउंसमेंट किया गया। करीब 20-25 मिनट के सार्थक प्रयास के फलस्वरूप BDS टीम और श्वान दस्ते की चेकिंग के बाद यह ज्ञात हुआ कि संदिग्ध बैग में कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं है। इस तरह से मॉकड्रिल की कार्रवाई सफल हुई। मौके पर सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो मौके पर आए, सभी का रिस्पांस टाइम बहुत ही बढ़िया था और त्योहारों के मद्देनज़र इस तरीके की कार्रवाई की गई है और सभी लोग तीव्रतम गति से मौके पर पहुँचे, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।